बनवा दूंगा। ये 1:30 बजे आज दिन में जो है ये शिवपुरी कॉलोनी के जो है एक वो है सत्य प्रकाश यादव है, इसी कॉलोनी में रहते हैं, अपने बहनोई के यहाँ रहते हैं। तो वो जो है अपने घर के लड़के के मामले में जो है आज दिन में 1:30 बजे 10-15 आदमी को ले करके इकट्ठा कर करके और ले करके हमारे दरवाजे पर चढ़ गए और फिर हमसे मारपीट किए। फिर जब हम अपनी जान बचाने के लिए घर में गए तो ये सब लोग घर में घुस करके मारपीट कर किए जो है हमारे घर के अंदर घुस कर। अगर उसके बाद लोग आ गए तो किसी तरह से मतलब कि छुड़ाए बढ़ाए तो जा करके जाने और हमको इसमें चोट भी आई है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में ये देखिए यहाँ पर चोट आई है, यहाँ हमारे चोट आई है, ये सब हाथ में हमारे चोट आई है, सीने पर और पीठ पर, गर्दन हमारा दबा दिए थे गर्दन में। इसके संबंध में हमने कोतवाल साहब को भी फोन किया, उसके बाद उनको तहरीर भी हमने लिख करके दिया है। वो सिपाही भेजे थे, सिपाही आ करके पूरा CCTV फुटेज ले करके गए हैं यहाँ से देख करके और जा करके फिर कोतवाल साहब से बात किए हैं, लेकिन अभी हमारी FIR अभी नहीं लिखी गई है। और ये सत्य प्रकाश जो है ये क्रिमिनल टाइप के आज ठीक है, और ये मतलब ठीक है गैंग। ये जो सत्य प्रकाश यादव है वो जब हम अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसे तो ये लोग घर में जो है यहाँ पर चले आए और यहाँ आकर के हमारे मारे पीटे लोग जो है और उसके बाद जो है हमारा गला भी दबा दिए लोग और हमारे शरीर में चोट भी आई जो है यहाँ तक लोग हमारे घर के अंदर चले आए जब हम अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसे। कोतवाली थाना क्षेत्र गाजीपुर में शिवपुरी एक मोहल्ला है जिसमें लियाकत अली जी के घर के सामने मारपीट की घटना बताई जाती है। जो वहां प्राथमिक रूप से जानकारी हुई कार को खड़े करने के लेके विवाद हुआ है और उसके बाद उसमें मारपीट हुई है। लियाकत अली द्वारा जो भी तहरीर दी गई है उसमें 16 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है सत्य प्रकाश यादव वो भी पेशे से ही वकील है। तो जैसा कि लियाकत अली कह रहे हैं कि वो बैंक चलाते हैं या फिर एक तरह का कोई आपराधिक इतिहास या फिर कुछ है क्या? अभी तक फिर उनका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं प्रकाश में आया है, विवेचना जारी है, विवेचना के दौरान ये सारी चीजें एकत्र की जाएगी।